हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोशिक एंड वेलकम टू सबास किचन। रमज़ान में हम इफ्तार के लिए चटपटी चाट वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए मैं पहले से इमली और गुड़ की चटनी इस तरीके से बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ, जिससे कि हम इसे किसी भी चाट वगैरह के लिए कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इस इमली और गुड़ की चटनी का कलर और टेक्स्चर आप देखिए कितना ही औसम है। सच में बेहद आसान है इमली और गुड़ की चटनी बनाना, बाज़ार से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आप इसे घर पर बनाते हैं। तो फिर चले बनाते हैं इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। इमली और गुड़ की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे किसी बर्तन में ले लें एक कप पानी। पानी को गर्म करें और इस गर्म पानी में डाल दें 50 ग्राम इमली। अब इमली को एक उबाल आने तक इस पानी में पका लें। गर्म पानी में इमली हमारी अच्छे से फूल जाएंगी और जल्दी ही नरम भी पड़ जाएंगी, इसलिए इसे मैं गर्म पानी में भिगो रही हूँ 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे के लिए इसे ढक कर यूँ ही रख दें और फिर आधे घंटे बाद इसे छान लें। इमली को हमने पहले से ही आधे घंटे के लिए एक कप पानी में भिगो कर रखा था, जैसे कि इमली हमारी आप देखें फूल करके नरम सी हो गई है। तो अब छन्नी की सहायता से इमली का सारा पल्प हम छान लेंगे। ये देखिए, मैं इमली के पल्प को हाथों से इस तरीके से मसल मसल के निकाल रही हूँ। डोंट वरी, मैं हमेशा खाना बनाने से पहले अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर ही खाना बनाती हूँ, इसीलिए प्लीज़ इस बारे में आप लोग कॉमेंट ना ही करें। बट फिर भी चॉइस इज योर्स, आप चाहें तो इसे ऐसे चम्मच से मसलते हुए इमली का पल्प निकाल लें और फिर गैस फ्लेम पर कढ़ाई में इसे डाल दें। फ्लेम को धीमा रखें और इसे धीमी आंच पर ऐसे चम्मच से चलाते हुए पका लें। करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएं और फिर 2-3 मिनट बाद जैसे ही हल्का सा इसमें उबाल आने लगे तभी ऐड कर लें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और हम बना रहे इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, इसलिए ध्यान रखें कि इससे ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर ऐड ना ही करें। और इसी के साथ डालें 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर। लेकिन आपके पास सौंफ का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खड़ी सौंफ भी आधा छोटे चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब डालें 1 टीस्पून सोल्ट का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक। देखिए, हम आखिर में नमक भी इसमें ऐड करने वाले हैं, इसलिए अभी आप फिलहाल काला नमक थोड़ा कम ही डालें। और ये मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून कलौंजी डालकर मिला लें। इसे चम्मच से चलाते हुए मिलाएं, 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लें। लीजिए, 3-4 मिनट हो गए इसे धीमी आंच पर पकाने के बाद। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम करीब गुड़। मेरे पास ये पाउडर वाला गुड़ है और अच्छी क्वालिटी का गुड़ है ये। इसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था बहुत ईजीली किसी भी रेसिपी में। इस गुड़ को मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी तरह का पाउडर वाला गुड़ ही इस्तेमाल करें। आप 150 ग्राम से 175 ग्राम करीब गुड़ के डेले को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मेरा पाउडर वाला गुड़ था तो कितनी जल्दी ही मेल्ट हो गया ये। इसे मैं धीमी आंच पर ही पका रही हूँ। 3 से 4 मिनट पकाने पर कलर भी आप देखिए डार्क हो चुका है, और क्योंकि अब गुड़ भी बिल्कुल ही घुल चुका है, इसलिए इसे मैं अब ज़्यादा देर तक नहीं पकाऊंगी। फाइनली लास्ट मोमेंट पर इसमें इमली की खटास खत्म करने के लिए और गुड़ के फ्लेवर को और एनहेंस करने के लिए ऐड करें थोड़ा सा नमक। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ही डालें नमक और फिर इसे मिलाते हुए पका लें। जब तक हमारे इमली और गुड़ की चटनी पर ग्लेज जैसा टेक्सचर नहीं आ जाता, और चटनी तैयार होने पर चम्मच पर आप देखें चटनी की लेयर सी बनने लगी है। और इतना ही नहीं, मेरी चटनी आप देखें कितना स्लो ड्रॉप कर रही है। तो बस इस स्टेज पर गैस को कर दे बंद, क्योंकि हमारी इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी बनकर है तैयार। देखिए, रमज़ान में ये चटनी बहुत ही काम आती है। चाट के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर भजिए वगैरह होते हैं, पकोड़े होते हैं तरह तरह के, उसके साथ आप इसे सर्व कीजिए। आप इसे बनाकर इस तरीके से किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। कम से कम 1 महीने के लिए आप इसे आराम से खा सकते हैं। वैसे तो मार्केट में रेडीमेड चटनी अवेलेबल है, लेकिन मार्केट से कहीं ज़्यादा सस्ती और कहीं ज़्यादा टेस्टी चटनी आप घर पर बना सकते हैं। तो बनाइए फिर ये रेसिपी और स्टोर करके रखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो पर एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।